हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कीमा रोल्स बनाने की रेसिपी, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, ये 2 कप मैंने मैदा लिया है आटा लगाने के लिए। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये नमक ऐड कर लूँगी, और फ्रेंड्स मैं इसमें मोयन के लिए 50 ग्राम ऑयल ले लूँगी। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ मत कीजिएगा, इसमें कुकिंग ऑयल लेना है, जो भी आप सब्जी बनाते हो फ्रेंड्स बस वही लेना है ऑयल को। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नमक को ऑयल को मैदे के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मोयन इसमें एकदम परफेक्ट है। ऐसे भान कर देख लेना, ऐसे बन रहा है आपका मैदा तो परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है तो फ्रेंड्स इसमें 1-2 टेबल स्पून जितना ऑयल और ले लेना। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको सॉफ्ट डो लगा कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका आटा लगा लेंगे हम। जैसे फ्रेंड्स हम रोटियों का आटा लगा कर तैयार करते हैं सॉफ्ट सा, इतना ही हमें इसका आटा लगा कर तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम। फ्रेंड्स, हमारा आटा तैयार है। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और आटे को अच्छी तरह से सेट करके इसको 5 मिनट के लिए कवर करके हम ढककर रख देंगे। चलिए इसको रख देते हैं हम साइड में। चलिए बनाते हैं हम कीमे की फिलिंग। मैंने क्या किया है, गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, इसमें मैंने एक कढ़ाई रख ली है। अब मैं इसमें ऑयल ले लूँगी, रिफाइंड ऑयल लिया है फ्रेंड्स मैंने। अब इसको गर्म होने देंगे। सो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, मैंने 100 ml ऑयल लिया है। अब मैं इसमें प्याज को फ्राई करूंगी, तो हम बाद में ऑयल को कम कर लेंगे फ्रेंड्स। इतना ऑयल बेसिकली हमें नहीं चाहिए, तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 4 मीडियम साइज की प्याज ली थी और इसको ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको ऐड कर लेंगे, प्याज को हम अच्छा सा गोल्डन फ्राई कलर आ जाने तक सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो प्याज का कलर पहले से कितना अच्छा आ गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको निकाल लेंगे प्याज को। सो फ्रेंड्स, इसको हम प्याज को रखते हैं साइड में। सो फ्रेंड्स, मैंने कीमे की फिलिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने रोल बनाने के लिए कीमा लिया है, ये 200 ग्राम मेरा कीमा है, एकदम बारीक वाला कीमा लेना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बहुत बारीक बारीक कीमा लिया है, और इसी तरह से आपको भी लेना है। अगर आपके पास ये बारीक कीमा नहीं है तो आप क्या करना है फ्रेंड्स, एक ग्राइंडिंग जार में इसको ऐड करके एक बार चला लेना, अच्छे से इसको फाइन कर लेना कीमे को। इधर फ्रेंड्स, मैंने बोला था जैसे कि आपसे ऑयल को मैंने कम कर लिया है, लगभग मैंने इसको ऑयल को लिया है 50 ग्राम। अब मैं इसमें कीमे को ऐड कर लूँगी, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, लगभग इसको अच्छी तरह से भून लेंगे सादा पहले ही, फिर बाद में इसमें हम कुछ स्पाइसेस मसाले बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो जैसे कि आप ये कीमे का कलर पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करूँगी, 1/2 छोटी चम्मच मैंने फ्रेंड्स सौंफ ली है, इसको अच्छे से क्रश कर लीजिएगा। और इसका पाउडर भी ले सकते हो, अगर आपके पास ये सौंफ नहीं है तो पाउडर ले सकते हो, ऐड कर लेंगे इसको। इन दोनों को अच्छी तरह से कीमे के साथ में भून लेंगे। इस स्टेज पे फ्रेंड्स मैंने प्याज जो ली थी सिकू भी, वो ऐड कर लेंगे। प्याज के साथ भी अच्छी तरह से हम कीमे को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कीमे में ऐड करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स ली है, बस मैंने बहुत ही कम चीज़ें ली है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इसको ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये मैंने 4 हरी मिर्ची ली थी, इसको ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है। आप इसको दरदरा भी ले सकते हो हरी मिर्च को। और मैंने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, ऐड कर लेंगे इसमें ये सभी चीज़ों को, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, अच्छी तरह से इनको भी भून लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने भर के धनिया पाउडर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इन सभी मसालों को और वेजीज को कीमे के साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे।
साथ ही मैं इसमें एक टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको भी। अब इसको कवर करके हम ढक देंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से पकने देंगे, कीमे के गल जाने तक इसको पका लेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स हम कीमे को चेक कर लेते हैं। तो वाओ फ्रेंड्स, आप इसका लुक देख सकते हो, ये पहले से कितना ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल लग रहा है। इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। मैंने इसमें पानी वानी बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसको कीमे को भुना है बेसिकली फ्रेंड्स। इसमें टमाटर का पानी जो होता है फ्रेंड्स वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाता है, तो पानी निकल आता है टमाटर में से, जैसे कि आपने देखा है हुआ फ्रेंड्स। तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, अच्छी तरह से एक बार भून लेंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और कीमे को भूनने के लिए फ्रेंड्स मेरे अराउंड 20 मिनट्स का समय लगा है, और गैस की फ्लेम को आपको मध्यम पे ही रखना है, तब इसको कीमे को भूनना है। तो फ्रेंड्स इसको रखते हैं हम साइड में, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम पराठा। तो फ्रेंड्स हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, इसको निकाल लेंगे हम एक बोर्ड पे, और इसको एक बार ऐसे रोल कर लेंगे, और इसमें से हम लोइयां तोड़ लेंगे जितने साइज का हमें पराठा चाहिए। अपने हिसाब से आप पराठा बना सकते हो छोटा या बड़ा। नाइफ की हेल्प से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतनी क्वांटिटी में हमारे 5 पराठे बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स से पहले एक लोई को ले लेंगे और इसको ऐसा गोल शेप में कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसको प्रेस कर लेंगे, अब इसमें मैदे के डस्ट छिड़क के इसको बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने पराठे का बेस बेल कर तैयार कर लिया है, हमने ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला रखा है, मीडियम रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने पराठे को ऐड कर लिया है तवे पे, अब इसको सिकने देंगे। पहले पराठे को हमें फ्रेंड्स डालते से ही टच नहीं करना है, इसको हल्का सा सिकने देना है। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू लो पर ही रखना है पराठे को सिकने के लिए। ज़्यादा हम पराठे को डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हम हल्का सा पराठे को सिकेंगे फ्रेंड्स। इसको पलट लेंगे, देख सकते हो फ्रेंड्स एक साइड से सिक गया है। अब इसमें हम ऑयल स्प्रेड करेंगे, और इस स्टेज पर फ्रेंड्स आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। पलट लेंगे और सेक लेंगे फ्रेंड्स अच्छी तरह से। इस तरफ से भी ऑयल ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से सेक लेंगे इस तरफ से भी फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो लाइट ब्राउन कलर इसमें आ गया है, कितना प्यारा सा। इसी तरह से हम सभी पराठे सेक कर तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हमने सभी पराठे को तैयार कर लिया है, अब क्या करेंगे चलिए बताते हैं हम। रोल बहुत ही टेस्टी सा रोल बनता है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें ये कीमे को ऐड कर लेंगे, कीमे की फिल्म को। इसमें हम बारीक कट किए हुए प्याज ऐड कर लेंगे। हमने फ्रेंड्स ये होममेड ग्रीन सॉस बनाई थी घर में, और इसकी रेसिपी चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इसको स्प्रेड कर लेंगे एक साइड से। इस साइड हम केचप लगाएंगे, अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ये रोल्स रेडी है, कितना यम्मी फ्लेवरफुल लग रहा है। ऐसे हम सारे तैयार कर लेंगे बनाकर। तो फ्रेंड्स आप फाइनल लुक देख सकते हो, मैंने सारे रोल्स रेडी कर लिए हैं और कितने टेस्टी फ्लेवरफुल लग रहे हैं। और फ्रेंड्स किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इन रोल्स को देख के, मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। एंड फ्रेंड्स आज से पहले आपने ये रोल्स खाए हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स ऐसी टेस्टी सी रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।